गुड मॉर्निंग गाइज, ऑल सेट फॉर न्यू ट्रिप। गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 7। हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर, जो कि है यहाँ से 120 किलोमीटर दूर, और हमारे पीछे की सवारी सो रही है। विट्ठल हमारा पहला पिट स्टॉप, यहाँ का बड़ा बहुत फेमस है और मिसल बहुत फेमस है। अब हम यहाँ से जाएंगे त्र्यंबकेश्वर। सनराइज हो गया है और अब मैं 76 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर से। अब हम एंटर करने जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर। गए त्र्यंबकेश्वर टेंपल और मंडे होते हुए भी आज पूरा मंदिर खाली है। त्र्यंबकेश्वर टेंपल जो कि बाजीराव ने बनाया था, ये ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग है जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश की आपको पिंडी दिखेगी। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बना नहीं रहा वीडियो अंदर। दोपहर के बज रहे हैं 12 और हमने लिया है दूसरा हॉल। हम इस वक्त हैं नासिक के NTDC होटल में। हमने बहुत अच्छे दर्शन किए हैं। सोमवार का दिन था, रश बिल्कुल नहीं था वहाँ पे, बहुत प्यारे दर्शन हुए हमारे। अब हम यहाँ पे आए हैं ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन खाना खाने। सुना है यहाँ पे बहुत अच्छा झुमका भाकर मिलता है, तो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे वीडियो में कैसा बन रहा है। वेदर बहुत ही प्लेजेंट है यहाँ पे, दिसंबर का महीना है। अब यहाँ से खाने के बाद हम सीधा जाएंगे हथगढ़ क्लब महिंद्रा, और शाम को हम जाएंगे फोर्ट में हथगढ़ के। तो हमारे साथ में मिस्टर मिसेस काले, और आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे यहाँ पे खाना कैसा है। इस तरीके से प्लेट साफ की जाती है रेस्टोरेंट में आने के बाद, क्योंकि या ममता जी फिर से हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। हम क्लीन की हुई चीज को दोबारा क्लीन करते हैं, जो क्लीन रहता है बहुत क्लीन रहता है, जरूरत नहीं, लेकिन हम फिर भी दोबारा करते हैं उसे। कैसा लगा खाना आपको? बहुत सही है, बढ़िया। पिटला इज वेरी नाइस, दाल अभी टेस्ट नहीं किया है, दाल भी बहुत अच्छी है। धोखा दे दिया, कहा कि आपको सिर्फ तंदूरी रोटी मिलेगी, तो खाकर देखते हैं पिटले के साथ तंदूरी रोटी कैसे लग रही है। अच्छा है स्वाद इसका। ममता कैसा लगा खाना आपको? सबसे बेस्ट क्लीनिनेस था, हाइजीन था, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही क्लीन था। सो दोपहर का खाना खा के अब हम निकले हैं आगे हथगढ़ की ओर, और एक पावर नैप तो बनती है। रास्ते थोड़े ख़राब थे, आपको स्लो ड्राइव करनी पड़ेगी। जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब किया थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से कर लेना।